हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। टीम लीगल डिकोड लेके आई है क्रैश कोर्स, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे टॉपिक डील किए जाएंगे जो एनटीए यूजीसी द्वारा कंडक्टेड नेट एग्जाम में आ सकते हैं। ये यूजीसी एनटीए नेट सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन का 4 टॉपिक है, जो कि है जुडिशरी। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमें मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोज एंड हम आगे जाके आपके लिए नेट लॉ सिलेबस के सारे वीडियोज बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो भाग में डील करेंगे, पहला होगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और दूसरा होगा जुडिशन ऑफ द कोर्ट। एक लंबी लड़ाई चली थी बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट कि किसके पास प्राइमेसी होगा रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। 124 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वहीं आर्टिकल 217 क्लॉज 1 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। नाउ दोनों में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन दोनों में अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन के बाद ही होता है। प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है जजेस को, अगर उनको अपॉइंटमेंट करना है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये जो लड़ाई चला था, ये लड़ाई इस वर्ड कंसल्टेशन के लिए ही चला था, जहाँ पे सबसे पहला केस आया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग फर्स्ट जजेस केस कहते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंसल्टेशन डजेंट मीन कंकरेंस, यानी कि जो ओपिनियन हमारे सीजेआई देंगे प्रेसिडेंट को, वो ओपिनियन सीजेआई का प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा, वो एक कंसल्टेशन होगा, उसमें कंकरेंस यानी कि एग्रीमेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ ओपिनियन ऑफ सीजेआई को प्राइमेसी नहीं दी गई थी, जबकि प्राइमेसी दी गई थी प्रेसिडेंट की ओपिनियन को। लेकिन फिर 12 साल के बाद इस चीज़ को ओवर रूल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओपिनियन ऑफ सीजेआई को हमेशा प्राइमेसी दी जाएगी। नाउ ये प्राइमेसी कब दी जाएगी और कितने जजेस के कंसल्टेशन की ज़रूरत है, इस चीज़ को इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में और ब्रॉड किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीजेआई को हमेशा 4 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस को कंसल्ट करना पड़ेगा, नाम किसी का भी प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले। सो कंसल्टेशन मस्ट बी कंसल्टेशन विद प्रायोरिटी ऑफ जजेस, नंबर ऑफ जजेस से कंसल्टेशन होना चाहिए ना। पार्लियामेंट इस चीज़ से खुश नहीं थी और पार्लियामेंट ने अपने सुप्रीमेसी को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में इन्वॉल्व करवाने के लिए 124 ACC और 217 ACC, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई है, 99th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया था। नाउ इस एडिशन से हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में जजेस के अलावा लॉ मिनिस्ट्री और एमिनेंट पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में, जिसको कि हम लोग अब 4 जजेस केस कहते हैं, इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था और 99th अमेंडमेंट को और NJAC दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये रही अपॉइंटमेंट की कहानी। नाउ अगले भाग में हम डील करेंगे जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। नाउ कई जुडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की भी। सबसे पहला जुडिक्शन है 138 में ओरिजिनल जुडिक्शन। अगर कभी भी डिस्प्यूट है स्टेट और स्टेट के बीच या फिर यूनियन और स्टेट के बीच, तो यहाँ पे दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट सीधे अपने केस को रेफर कर सकती है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए। ना अगली जुडिक्शन है रेड जुडिक्शन, जो कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का है, जहाँ पे दोनों कोर्ट के पास ओरिजिनल और कंकरेंट जुडिक्शन है और दोनों के दोनों कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं विद रिगार्ड टू हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडमस, सर्टोराडी और प्रोहिबिशन। नाउ नेक्स्ट है अपेल जुडिक्शन, जो कि 132 से 135 का डील किया गया। नाउ 132 बात करता है अपेल जुडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से, 133 डील करता है अपील विद रिगार्ड टू सिविल मैटर एंड 134 डील करता है अपील विद रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर। इन तीनों में अगर अपील करना है तो 134A में हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 136, जो कि बात करता है स्पेशल लीव पिटिशन की। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट का भी अथॉरिटी दिया गया है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट को दिया गया अंडर आर्टिकल 215। हमारे हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुडिशन भी है अपने जुडिशन के सभी लोअर कोर्ट के रिगार्डिंग अंडर आर्टिकल 227। वहीं रिव्यू जुडिशन की पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास 137 में, और इसी रिव्यू जुडिशन से हमारा क्यूरेटिव पिटिशन का पावर भी डिराइव होता है। नाउ 141 में जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो सभी लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ये जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगी। अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऑर्डर और डिक्री को इन्फोर्स करवा सकती है। और फाइनली 143 में, जो कि एडवाइजरी जुडिशन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट
से अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगा है तो सुप्रीम कोर्ट ये एडवाइस दे सकती है। तो ना प्रेसिडेंट इस एडवाइस से बाउंड होंगे और ना सुप्रीम कोर्ट ये एडवाइस देने के लिए बाउंड है। इसी के साथ हमारे ये जुडिशरी टॉपिक भी खत्म होता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ द टॉपिक। वेरी सून लीगल डिकोड विल बी लॉन्चिंग MCQ सीरीज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड फॉलो अस ऑन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई डाउट है तो डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।